नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। नंदना सेन एक ऐसी एक्टर जो फिल्मों में कम लेकिन अपनी बोल्डनेस की वजह से काफ़ी चर्चा में रहती हैं। नंदना सेन एक अच्छी एक्टर हैं लेकिन वो फिल्मों में ज़्यादा एक्टिव फिलहाल नहीं है, पर फिर भी उन्हें अपनी कुछ फिल्मों के लिए याद किया जाता है। आइए आपको बताते हैं नंदना सेन की कुछ अनसुनी कहानियाँ। अपनी बोल्ड सीन्स की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं नंदना सेन। नंदना सेन बेहद खूबसूरत हैं, साथ ही वो एक टैलेंटेड एक्टर हैं और वो अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2005 में उन्होंने ब्लैक में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के साथ और फिर माय वाइफ मर्डर में अनिल कपूर के साथ छोटे मगर दमदार रोल किए। रंगरसिया फिल्म साल 2008 में बनना शुरू हुई लेकिन इसके काम पर कुछ वजहों से रोक लग गई थी। इसके बाद 2014 में इसे पूरा किया गया। नंदना सेन का जन्म 19 अगस्त 1967 को हुआ। नंदना ने बॉलीवुड के साथ कई इंग्लिश बंगाली फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने फिल्मों में जम कर बोल्ड सीन्स भी किए लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। वो 2014 में आई फिल्म रंगरसिया में आखिरी बार नजर आईं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त सेन की बेटी हैं नंदना। न्यूडिटी बेमकसद नहीं होना चाहिए, ये कहना है नंदना का। नंदना ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। नंदना का कहना है कि न्यूडिटी बेमकसद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उनका कहना था कि न्यूडिटी के पीछे मकसद और औरत को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना नहीं होना चाहिए। नंदना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म द डॉल से की थी जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। 2005 में आई फिल्म टैंगो चार्ली में वो अजय देवगन की ओपोजिट नजर आईं और उसी साल उन्होंने ब्लैक में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी साथ काम किया। इसके अलावा माय वाइफ मर्डर में अनिल कपूर के साथ एक छोटा सा रोल प्ले किया उन्होंने, पर ये रोल बेहद दमदार था। 2014 में आई फिल्म रंगरसिया में नंदना ने एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ काफी बोल्ड सीन्स दिए। आपको बता दें कि ये फिल्म 2008 में होनी थी लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से इसकी रिलीजिंग डेट टलती जा रही थी। डायरेक्टर केतन मेहता की इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि ये फिल्म मशहूर पेंटर राजा रवि वर्मा की लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म ने बनने से लेकर रिलीज होने तक खूब विवाद झेले। फिल्म के बोल्ड सीन्स काफी विवादों में रहे। एक इंटरव्यू में नंदना ने कहा कि रंगरसिया में न्यूडिटी है लेकिन उसे गरिमामय और सौंदर्य के साथ पेश किया गया। मेरे लिए ये रोल करना आसान नहीं था। पेंटर की प्रेरणा बनी रंगरसिया में। नंदना ने पेंटर की प्रेरणा का किरदार निभाया था जिसे देखकर पेंटर चित्र बनाता है। नंदना ने फिल्म में काम करने से पहले पटकथा पर चर्चा की थी। उन्होंने माता पिता और केतन मेहता से लंबी बातचीत की थी तब कहीं जाकर फिल्म के लिए हाँ किया था। रंगरसिया फिल्म की कहानी महान पेंटर राजा रवि के जीवन पर आधारित थी। फिल्म में रवि वर्मा और उनकी प्रेमिका सुगंधा के बीच प्यार को दर्शाया गया है। पढ़ाई में अव्वल, एक्टिंग में फेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिटरेचर की पढ़ाई करने वाली नंदना ऑपरेशन स्माइल नामक ग्लोबल चिल्ड्रन एनजीओ की स्माइल एम्बेसडर भी हैं। उनका पहला लेख एक बाल लेखिका के रूप में छपा था एक मैगजीन में जिसे सत्यजीत रे ने चुना था। एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस होने के साथ साथ नंदना एक राइटर और चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन बतौर एक्ट्रेस वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। 2013 में नंदना ने शादी कर ली। 2013 में नंदना ने जॉन मैकिंसन से शादी की। शादी से पहले उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंतेना को लंबे समय तक डेट किया था। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी करियर को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पहले कलाकार हूँ, मैं शादीशुदा हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता, अगर रोल अच्छा होगा तो मैं उसे जरूर करूँगी। तो इस तरह नंदना सेन फैंस के बीच काफी लाइमलाइट में रही। ये है नंदना की अनसुनी कहानियाँ।